आपने माँ बाप के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ बाप के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी पिता को समर्पित है, जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैंने बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, अच्छा तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किस को कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो इम्प्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएँ लिखी हुई थी। पहली जो इच्छाएं थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई, तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका सोल टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था, 50,000 रुपया बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे।
मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, यह कहानी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने परिवार की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको माँ बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊँ, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको ज़रा भी यह पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ।